हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। नमस्ते, आप सब कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई पिकअ कार्ड रीडिंग लेके आ गई हूँ एंड इस पिकअ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी जो मैरिज होगी वो अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी, साथ ही साथ किस पर्सन से होगी, वो पर्सन कैसे होंगे, ठीक है ना, उनका नेचर हम ये सब देखेंगे। मेन फोकस हमारा ये होगा कि आपकी अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी, ठीक है ना। एंड साथ ही साथ हम और भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस तरह के हैंडमेड चिट्स का भी इस्तेमाल करेंगे। और इस हैंडमेड चिट्स से पता है क्या, हम देखेंगे कि आपके पर्सन किस सिटी, किस स्टेट से हो सकते हैं, किस कंट्री से हो सकते हैं, ठीक है। एंड देन हम इस तरह के चिट्स से प्रोफेशंस भी चेक करेंगे आपके पर्सन के। एंड दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका हमेशा से सवाल रहता है कि शादी कब होगी, ठीक है ना, कब होगी आखिर, तो उस चीज़ को हम चिट से चेक करेंगे, टाइम फ्रेम को भी देखने की हम कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। सो दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मैं कंटिन्यूसली आपकी जो रिक्वेस्टेड वीडियोस होती है उस पर वर्क करती हूँ। एंड आप मुझे इनकरेज कर सकते हैं ना दोस्तों, आप सब्सक्राइब करके मुझे इनकरेज कर सकते हैं डेफिनेटली। सो आप मुझे सब्सक्राइब करें डेफिनेटली। दोस्तों, आज मैंने दो पाइल्स रखे हैं एंड आप इस दोनों पाइल्स में से इंट्यूटिवली चूज़ करेंगे, यानी जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। अगर आपको पाइल सेलेक्ट करने में दिक्कत होती है तो आप वीडियो को पॉज कर लें, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इन दोनों फ़ोटोज़ पे, इन दोनों कार्ड्स पे अच्छे से ध्यान दें एंड आपको जो अट्रैक्ट करती है उसे सेलेक्ट करें, ठीक है। दोनों कार्ड्स को मैं आपके पास लेके आती हूँ। सो पहला कार्ड है सिकिंग गुड का कार्ड, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड दूसरा कार्ड है ये फ्लाइट का कार्ड, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके भी चेक कर लें कि आपको कौन अट्रैक्ट कर रही है। पहला कार्ड है सिकिंग गुड का एंड दूसरा कार्ड है फ्लाइट का, तो आपको जो अट्रैक्ट कर रही है उसे सेलेक्ट करें। एंड इन दोनों कार्ड्स की जो टाइम स्टैम्प्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं दोस्तों तो डेफिनेटली ले सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड मेल भी सेंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एंड मेल आईडी मैं आपको दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो दोस्तों, चलिए मिलते हैं। हेलो दोस्तों, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है सिकिंग गुड की, तो ये पाइल वन है, ठीक है ना दोस्तों, एंड आपने इस कार्ड को सेलेक्ट किया है। सो आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपकी अरेंज मैरिज होने वाली है या लव मैरिज होने वाली है, ठीक है। हम कार्ड्स के थ्रू देखेंगे एंड हम फिर ये भी देखेंगे कि आपकी किस पर्सन से शादी होगी, वो पर्सन किस कंट्री, स्टेट, सिटी से हो सकते हैं। हम चिट्स के थ्रू चेक करेंगे कब तक हो सकती है, जो आप बहुत ज़्यादा आपके मन में ये सवाल रहती है कि शादी कब तक होगी, ठीक है ना, तो वो हम टाइम फ्रेम चिट्स से देखने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन किस प्रोफेशन से हो सकते हैं वो हम हैंडमेड चिट्स के थ्रू चेक करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर ले। अगर आप डिटेल रीडिंग करवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग विच आर पेड रीडिंग, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोफाइल लिंक मिल जाएगी इंस्टाग्राम की एंड मेल आईडी। एंड दोस्तों, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ लोग आते हैं एंड अपना नंबर छोड़ते हैं और बताते हैं कि ये गुरु माँ का नंबर है, गुरु जी का नंबर है, एंड आप उससे कॉल करें और अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालें। तो दोस्तों, आई रिक्वेस्ट कि वो नंबर मेरे से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, मैं अपना फ़ोन नंबर कभी भी शेयर नहीं करती हूँ ना। सो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी अनजान नंबर हो या कुछ भी हो, वो आप उस पर कॉन्टैक्ट मत करें। एंड अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका हो सकता है वो स्कैमर हो एंड आपका कोई ना कोई लॉस हो जाए, ठीक है, तो वो टोटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी दोस्तों। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी स्कैमर के चक्कर में ना फंसे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे मैं ऐसे देख रही हूँ, सो आपको वार्न कर रही हूँ सो दैट कि आपके साथ कोई भी ऐसी बुरी चीज़ें ना हो, ठीक है दोस्तों। आप बिल्कुल इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने अभी तक फ़ोन नंबर नहीं शेयर किया है, ठीक है। एंड मैं आप मुझसे सिर्फ दो रास्ते से कांटेक्ट कर सकते हैं, एक है मेल आईडी एंड दूसरी हो जाती है इंस्टाग्राम, ठीक है, और वो सभी मैं डिस्क्रिप्शन में देती हूँ एंड आपको कमेंट सेक्शन में नहीं मिलेगा वो चीज़, ठीक है। सो अगर ऐसा है तो आप सतर्क रहेंगे, ठीक है। सो चलिए हम कार्ड्स निकालते हैं एंड पता लगाते हैं। दोस्तों, ये जनरल रीडिंग है तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट करती है उतनी रखिएगा और जो नहीं करती है उसे जाने दीजिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी वीडियो ये आपके सामने आती है एंड आप इसे देखते हो तब के लिए ये वैलिड है, ठीक है, किसी साल किसी भी मंथ के लिए। आप अगर अपने फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हो, सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हो, ये वैलिड है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। आप मेल फीमेल कोई भी उसे देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए हम आप सबसे पहले कार्ड्स निकालेंगे एंड चेक करेंगे आपकी करेंट एनर्जी। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी, आपकी अभी क्या स्थिति है या जब आप मैरिज के लिए देखोगे, जब आपकी मैरिज
की सिचुएशन आएगी तब आपकी क्या एनर्जी होगी वो हम देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। ये करेंट एनर्जी कंप्लीशन का कार्ड आया है। अबंडेंस, विस्टम, रिन्यूअल, कॉम्प्लेसेंसी। चलिए और कार्ड्स लेते हैं ना, पता लगाते हैं कि अभी आपकी सिचुएशन क्या है। प्लीज एंजल हेल्प मी गाइड मी। फिर हम देखेंगे कि इन द फ्यूचर आपकी मैरिज को लेके क्या कंडीशन बनेगी, मैरिज अरेंज होगी या लव मैरिज होगी। गाइडेंसेस देखेंगे, चिट से चेक करेंगे दोस्तों, रीडिंग पूरी देखिएगा। मैच्योरिटी, रिसेप्टिविटी, सक्सेस। सो दोस्तों यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू मुझे पता चल रहा है विद द कॉम्प्लीशन कार्ड एंड द कॉम्प्लीसेंसी कार्ड, ठीक है ना। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप में लॉस हुआ है। हो सकता है किसी पर्सन के साथ आप बहुत दिनों से रिलेशन में थे एंड वो पर्सन से आपका सेपरेशन हो गया है, कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है एंड कुछ लोगों के लिए डिवोर्स प्रोसेस। आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी डिवोर्स्ड है या डिवोर्स के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। आपका एक फेज ऑफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है एंड इस वजह से आप काफ़ी दुख में हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है लाइफ में जिसको लेके आप खुश नहीं हैं, ठीक है। कोई आपके फैमिली मेम्बर्स या कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो आपसे काफ़ी क्लोज था वो आपसे दूर चला गया है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है दोस्तों। कुछ लोगों का हो सकता है आपकी ग्रैंड मदर का लॉस हो गया हो यहाँ पे दिख रहा है, जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा दुख में हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई साइकिल कंप्लीट हुआ है, कोई ना कोई आप में चेंजेस आ रहे हैं एंड वो चेंज आपके लिए, आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो चेंज आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है ना। बहुत दिख रहा है, हो सकता है आपने करियर चेंज किया हो, कोई जॉब में आप सेटिस्फाइड नहीं हो। सभी लोगों के लिए अलग अलग कंडीशन है क्योंकि यहाँ पे जनरल रीडिंग है दोस्तों। तो बट ये मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर एक कॉम्प्लीशन की साइकिल चल रही है एंड काफ़ी दुखी है आप उस चीज़ को लेके, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है विद द अबंडेंस कार्ड एंड यहाँ पे ये तीन कार्ड है जिसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अबंडेंस कार्ड, विजडम कार्ड एंड रिन्यूअल कार्ड, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने अभी अपनी डिग्री कंप्लीट की हो, कोई डिग्री आप स्टूडेंट हो एंड आपने कोई डिग्री कंप्लीट की हो एंड आप किसी जॉब के तलाश में हो, आप करियर पे फोकस्ड हो, आपके लाइफ में अबंडेंस लाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोग नॉलेज के लिए, ठीक है ना, नॉलेज गेन करना चाह रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हो, ठीक है ना। मुझे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको काफ़ी एंजेलिक नंबर्स दिखते हैं, डिवाइन मैसेजेस दिखते हैं, हो सकता है आपको फेदर्स दिखते हो, बटरफ्लाइज दिखते हो, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। आपको एंजल्स कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, यानी कि आपके लाइफ में अभी कुछ ऐसा फेज चल रहा है जहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है एंड डिवाइन आपको गाइड कर रही है, मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड हो सकता है अगर आप करेक्टली इंट्यूशन को सुनते हो आप अपने, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में अबंडेंस आ सकती है एंड आपको अपने विजडम का इस्तेमाल करना है एंड इंट्यूशन का भी इस्तेमाल करना है, ठीक है ना दोस्तों। मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, आपकी करेंट सिचुएशन ऐसी है विद द मैच्योरिटी कार्ड, रिसेप्टिविटी कार्ड एंड सक्सेस। मैरिज को लेके, ठीक है ना, आप में से बहुत सारे लोगों का फोकस ऐसा हो सकता है कि आप, कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ, आप लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हो आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हो, एज हो चुकी है आपकी, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपकी थिंकिंग जो है ना, आपकी जो थिंकिंग की डायरेक्शन है वो चेंज हो चुकी है। आप बहुत दिनों से रिलेशनशिप पे फोकस थे, आपके पास्ट रिलेशनशिप थे एंड आपके जो भी पार्टनर थे लाइक GF और BF, तो आप उन पे फोकस थे, बट आपको वो अभी छोड़ के चले गए हैं, ठीक है। आप उनसे सेपरेशन में हो तो आपको फील हो रहा है, आप में एक चेंज आ रहा है, आपकी थिंकिंग पैटर्न चेंज हो रही है कि अब मुझे कहाँ फोकस होना है, तो मुझे करियर पे फोकस होना है, अपने लाइफ की कुछ दूसरे डायरेक्शन पे, अपने डेवलपमेंट पे फोकस होना है, आपको ऐसा फील हो रहा है। एंड आप अपने आप को ऐसा फील कर रहे हो कि छोड़ो, अब डिवाइन पे छोड़ देते हैं, अब डिवाइन से रिसीव करने के लिए तैयार हो, ठीक है ना, कि मुझे अब गॉड जो भी मेरी लाइफ में पार्टनर को भेजेंगे मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है।
मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके लिए सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो कि सक्सेस का कार्ड है एंड यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अपने आप को फेमस करने के लिए या फिर वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर, ठीक है। काफ़ी मैच्योरिटी की एनर्जी आ चुकी है। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं भी है, कुछ लोगों के लिए तो दिख रहा है कि आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है एंड आप एक आपके अंदर ये फीलिंग आ गई है कि अब छोड़ो अपने पार्टनर का इंतज़ार करना, अब अपने लाइफ में जो होगा देखा जाएगा। डिवाइन पे आपने छोड़ दिया, ठीक है। एंड कुछ लोगों का ऐसा है कि आप अभी वर्क कर रहे हो, अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ठीक है दोस्तों। चलिए और देखते हैं कि आपके लिए अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी। प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी। द मजिशियन, वाओ, फोर ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। सो फ्रेंड्स, कार्ड्स के थ्रू मुझे यहाँ पे पता चल रहा है, ठीक है, लाइक मैंने आपको बताया कि आप काफ़ी मच्योर एनर्जी में हो चुके हैं एंड अपने आप को शायद कुछ लोगों ने बहुत दिनों से वेट किया अपने पार्टनर का, ठीक है। कुछ लोग बहुत सिंगल भी रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आप सिंगल रहे एंड काफ़ी दुखी भी रहे अपने लाइफ में कि मुझे कोई ना कोई तो पार्टनर मिल जाए, ठीक है। एंड कुछ लोगों की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है या फिर सेकेंड मैरिज के लिए आप देख रहे हैं, ठीक है, मुझे ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखिए, मैजिशियन का कार्ड है, मैच्योरिटी का कार्ड है, रिसेप्टिविटी का कार्ड है एंड एट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आप तो आप बाहर से दिखा रहे हैं कि अब मैं करियर पे फोकस हूँ या दूसरी चीज़ों पे फोकस हूँ, बट भीतर में, ठीक है ना, या रात में या कहीं भी जब आप अकेले होते हो तो आपको एक स्ट्रांग फीलिंग आती है एंड आप वो फीलिंग यूनिवर्स को सेंड करते हो। देखिए, यहाँ पे रिसेप्टिविटी का कार्ड है, एट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये जो आपकी फीलिंग है वो यूनिवर्स में जाती है, ठीक है ना। वो आपकी स्ट्रांग विल पावर विद द मैजिशियन कार्ड, आप एक मैनिफेस्टर की तरह मैनिफेस्ट करते हो कि मुझे जिस पर्सन का वेट है, मैं जैसे मैरिज चाहता हूँ, वो मुझे मिल जाए एंड यूनिवर्स आपको आंसर भी करेगी, ठीक है ना। विद जजमेंट कार्ड, देखिए आपने इतने सारे ये दोनों हाथ खोल के आप यूनिवर्स की तरफ अपनी जो मैनिफेस्टेशन है, जो आपकी इच्छा है, आप सेंड कर रहे हो, ठीक है। आप चाहे जानबूझ के करो या फिर अनकॉन्सियसली करो, लेकिन आप कर रहे हो दोस्तों, ठीक है। एंड यूनिवर्स सुन रही है एंड जजमेंट का कार्ड आया तो आपके साथ कुछ ना कुछ तो फैसला होगा, ठीक है ना। यूनिवर्स आपको सुन रही है, आप काफ़ी दिन से वेट कर रहे हो, आप सबके सामने ये भी दिखा रहे हो दोस्तों कि मुझे कोई भी पार्टनर मिल जाए, मिले, शादी हो ना हो, ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसा आप दिखा रहे हो लोगों को, पर आपके अंदर ये फीलिंग दबी हुई है कि आपके लाइफ में पार्टनर आने चाहिए। यूनिवर्स से आप प्रे कर रहे हो एंड मैनिफेस्ट कर रहे हो। चलिए दोस्तों, आगे बताती हूँ। आया है आपके लिए फोर ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड जो कि है मैरिज का कार्ड, डेफिनेटली एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके लिए मैरिज का कार्ड आया है, ठीक है। एंड मैरिज की रीडिंग भी है ये। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है दोस्तों, ठीक है, विद द एट ऑफ फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत जल्दी मैरिज प्रपोजल आएंगे। एंड फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो कि मुझे यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों कि आपकी जो मैरिज होगी ना, वो पूरे फैमिली के सेलिब्रेशन के साथ होगी, ठीक है ना। बहुत सारे लोग सेलिब्रेट करेंगे, आपकी फैमिलीज होगी, आपके स्पाउस जो जिनसे आपकी शादी होगी वो भी इन्वॉल्व होंगे एंड फैमिली की ब्लेसिंग्स के साथ होगी, ब्लेसिंग्स होगी, डिवाइन की भी ब्लेसिंग होगी, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ पर्सन, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन में हो एंड आपकी फैमिली को पता है, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। आगे देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है, ठीक है ना। आप कैसे मैरिज होगी, आपकी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, चलिए देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं मैसेज को। प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड। ऑर्डिनरीज, एट ऑफ पेंटिकल्स, माइजर, दोस्तों चलिए सही है, और कार्ड्स निकाल लेते हैं। बैलेंस, कन्फ्रंट, एक और कार्ड लेंगे हम। चूज योर बैटल्स, चलिए ठीक है।
अब मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना, मुझे बहुत बार वाइब्स आ रहे हैं एंड मैंने कंफर्म करने के लिए और भी कार्ड लिया है, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो जिस पर्सन का, कुछ लोग तो वेट कर रहे हैं रिलेशनशिप में एंड सेपरेशन में, जो बार बार जिक्र कर रही हूँ, ठीक है ना, वेट भी कर रहे हैं आप अपने पर्सन का, ठीक है। आप सेपरेशन में हैं, आपकी लड़ाई झगड़े हो गए, फिर भी आप उनको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों ने अपने फैमिली को भी बता रखा कि इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप है ये वो, बट हो सकता है एक्सेप्ट ना नहीं कर रही हो। एंड दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ देना कि आप जिस तरह का एक्शन लोगे, यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है एंड आपके एक्शंस पे बहुत चीज़ें डिपेंडेंट होगी। चूज योर बैटल्स, आप जिस तरफ एक्शन लेते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रहा है, फैमिलीज मोस्टली यहाँ पे मुझे अरेंज मैरिज की वाइब आ रही है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी दिख रहा है दोस्तों कि आपकी लव मैरिज होगी, ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी फैमिली की सहमति होगी, बट बहुत कम परसेंट के लिए। अगर आप लोग पूरी तरह से सिंगल हैं दोस्तों, ठीक है ना, अगर सिंगल है, आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ आपकी अरेंज मैरिज होगी, ठीक है ना। एंड अगर आपने फैमिली को बता रखा है, जैसे आपके साथ रेजोनेट हो रही है उससे वैसे समझना, तो आपकी चांसेस है आपकी लव कम अरेंज मैरिज होगी, ठीक है ना, एंड ये बहुत कम लोगों के लिए। चलिए हम और फाइनल कार्ड ले लेते हैं एंड पता लगाते हैं दोस्तों। चलिए पता करते हैं, पाइल वन की अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सो दोस्तों यहाँ पे आया है आपके लिए नंबर एट, एट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे आया है एट ऑफ कप्स का कार्ड एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है ना। तो डेफिनेटली दोस्तों मुझे वही वाइब्स आ रही है कि कुछ लोगों के लिए, मैं बता रही हूँ, अगर आप सिंगल हैं एंड आपका पूरा तरह से ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है ना, तो आपके लिए अरेंज मैरिज ही है दोस्तों। एंड अगर आप अभी भी फिर भी होल्ड करके रखे हो किसी पर्सन को एंड फैमिली को भी बता रखा है, कुछ हिंट्स दे रखे हैं अपने फैमिली को, तो आपकी लव कम अरेंज मैरिज होगी, यानी आपकी फैमिली के सहमति से ही आपकी शादी होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए हम कुछ डिटेल्स निकालते हैं उस पर्सन से। एंड यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है दोस्तों कि आपके एक्शंस के ऊपर डिपेंडेंट होगा सब कुछ, ठीक है ना। अगर आप इस पर्सन को जिसे आप पसंद करते हो और अपनी फैमिली को बता रखिए, अगर आप उसको छोड़ भी देते हो, अगर आप एक्शन नहीं लेते हो एंड अगर छोड़ देते हो पूरी तरह से कि छोड़ो जाओ मैं किसी न्यू पर्सन का वेट कर रहा हूँ, तो आपके लिए चांसेस बनेंगे अरेंज मैरिज के। तो बहुत ज़्यादा वाइब्स है इस फाइल में अरेंज मैरिज के, ठीक है। आई होप सो आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन किस स्टेट से होंगे, कुछ आपके पर्सन के बारे में पता लगाते हैं कि वो पर्सन कहाँ से होंगे जिससे आपकी शादी होगी। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। कोलंबिया, ठीक है, कुछ लोगों के लिए कोलंबिया से हो सकते हैं या जॉब कर सकते हैं। नेपाल, असम एंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, या आसपास से हो सकते हैं वहां से। ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगी दोस्तों, फिर भी चलिए एक आइडिया हो जाएगा। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। हंगेरी, हंगेरी में खुद रहते हो या बिजनेस हो कुछ हो ऐसा। जॉर्डन, गुजरात, चलिए और ले ले मैसेजेस एंड पता लगाए। सेम कंट्री, आप जिस कंट्री में हो वहीं से होंगे आपके पर्सन, ठीक है। सेम स्टेट, कुछ लोगों के लिए सेम स्टेट आया है, ठीक है। और एक कार्ड ले लेते हैं, पता लगा लेते हैं। पंजाब, ठीक है। सो दोस्तों ये है आपके पर्सन इस कंट्री से हो सकते या उनका ताल्लुकात होगा यहाँ से। कोलंबिया, नेपाल, आसाम, नॉर्थ ईस्ट के कोई भी स्टेट, हंगेरी, जॉर्डन, सेम कंट्री, आप जहाँ रह रहे हो जिस देश में वहीं से हो सकते हैं, पंजाब से हो सकते हैं, सेम स्टेट जहाँ पे आप हो वहाँ हो सकते हैं, गुजरात से हो सकते हैं, ठीक है। ये मैसेजेस मुझे मिले हैं। चलिए हम देखते हैं आपके पर्सन के प्रोफेशन, यहाँ से चिट्स लेंगे एंड पता लगाएंगे। ये प्रोफेशन आपका भी हो सकता है, आप हो सकते हैं इस प्रोफेशन में या फिर आपके पर्सन होंगे जिनसे आपकी शादी होगी, ठीक है। एयर होस्टेस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ट्रैवल करके आएंगे, ठीक है।
साइंटिस्ट हो सकते हैं, साइंस की किसी फील्ड से हो सकते हैं, पायलट, एयर होस्टेस ने पायलट दो बनाया, ठीक है। तो अब देखिए, हो सकता है आप एयर होस्टेस हो या बनना चाह रहे हो या बने, मेंटल हेल्थ काउंसलर हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट या किसी तरह के काउंसलर, हीलर हो सकते हैं, ठीक है। एक्टर एक्ट्रेसेस हो सकते हैं, किसी तरह के क्रिएटिव फील्ड्स हो सकते हैं, पोएट हो सकते हैं, ठीक है। कोरियोग्राफर दो दो बार आया, तो आर्टिस्टिक वाइब आर्टिस्ट हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं सिक्स ऑफ वैंड्स, या फिर आप हो सकते हैं ऐसे, आप फेमस होंगे क्योंकि सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है दोस्तों, या फिर ऐसे सोशल मीडिया पे करते हो, अकाउंटेंट्स, ठीक है। तो फाइनेंस के किसी फील्ड से हो सकते हैं, द माइजर बैंकर हो सकते हैं, ठीक है, ये सब रिलेटेड फील्ड हो सकते हैं। एंड दोस्तों चलिए देखते हैं कब तक हो सकती है आपकी शादी, जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। इस चीट से हम तीन चीट्स निकालेंगे, इनसे हम टाइम फ्रेम पता लगा लेंगे, ठीक है, कब तक हो सकती है आपकी शादी। आपके लिए फोर ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड आया है जो कि मैरिज का कार्ड है, सो डेफिनेटली मैरिज तो है, कब तक हो सकती है देख लेते हैं। डिवाइन टाइमिंग, जजमेंट का कार्ड है, डिवाइन का है, तो डिवाइन टाइमिंग में होगी। वन ईयर, कुछ लोगों के लिए वन ईयर है, एक बार और सफल करेंगे एंड लास्ट कर लेंगे। एट ईयर्स, ओके, जो लोग बिल्कुल यंग है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ठीक है, ट्वेंटीज़ में है, तो आपकी एट ईयर्स के बाद शादी हो सकती है। तो दोस्तों हमारे लिए, हमारे पास तीन चीट्स आए हैं, बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग, सो आपके साथ जैसे रेजोनेट करे। आप बहुत यंग है तो आपकी शादी एट ईयर्स में हो सकती है, आप मच्योर है, आपकी शादी की एज हो चुकी है, तो वन ईयर में हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए आया है डिवाइन टाइमिंग में हो सकती है, ठीक है। डिवाइन बताना चाह रही है कि आप टेंशन मत लो, डिवाइन टाइमिंग में होगी, बिकॉज आपने, मैंने आपको बताया कि आपने सरेंडर कर दिया है। कुछ लोगों के लिए तो है कि चलो भाई भगवान जल्दी मुझे भेजे किसी पार्टनर को मेरी लाइफ में, ऐसे है, आप जो भेजेंगे मुझे एक्सेप्ट है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो डिवाइन आपकी प्रेयर्स को सुन रही है, सो ये टाइमिंग है दोस्तों। सो पाइल नंबर वन, आई होप सो आपको मैसेज समझ आई होगी, आपके साथ रेजोनेट हुई होगी, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में दोस्तों, तभी मुझे पता चलेगी। एंड चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मुझे इंकरेजमेंट मिलती है, ठीक है ना, नई वीडियोस बनाओ एंड आपके सामने लेके आऊँ, आपकी हेल्प हो जाए, ऐसे मुझे इंकरेजमेंट मिलती है दोस्तों, मुझे एनर्जी आती है, ठीक है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड चलिए मिलते हैं, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए दोस्तों, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक, स्टे पॉजिटिव। हेलो पाइल नंबर टू, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है फ्लाइट की, तो दोस्तों आज ये आपकी रीडिंग है, ठीक है ना, ये पाइल टू है। एंड इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, कौन सी मैरिज होगी आपकी, ठीक है सब। और फिर हम ना चिट से देखेंगे कि आपके पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, लाइक उनके प्रोफेशन देखेंगे, एंड ये भी देखेंगे कि आपके पर्सन किस कंट्री, स्टेट, सिटी से हो सकते हैं, कहाँ से हो सकते हैं आपके पर्सन, कुछ आइडिया हम लेंगे, ठीक है। इस तरह के हैंडमेड चिट्स रखे हैं, कार्ड्स डेक ओरेकल कार्ड से भी हम निकालेंगे। एंड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है आपके मन में कि आपकी शादी होगी कब तक, ठीक है ना, तो हम आज टाइम फ्रेम भी देखेंगे एंड इस चिट्स के थ्रू पता लगाएंगे कि डिवाइन क्या बताना चाह रहे हैं, आपकी शादी कब तक होगी, ठीक है, मंथ्स ईयर हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। सो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी, ठीक है। सो सबसे पहले हम कार्ड्स निकालेंगे एंड आपके लिए हम करेंट एनर्जी निकालेंगे कि आपकी करेंट एनर्जी कैसी है, ओके। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ कि जो लिख रहे हैं कि ये नंबर किसी गुरु माँ का है या गुरु जी का है, आप इस पर कॉल करें, अपने प्रॉब्लम्स का समाधान निकालें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो दोस्तों वो स्कैमर है, ठीक है ना, वो नंबर मेरे से रिलेटेड नहीं है, मेरे चैनल से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। मैंने अभी तक अपने मोबाइल नंबर को शेयर नहीं किया है किसी के साथ चैनल में, ठीक है ना। एंड मैं आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट के लिए देती हूँ अपना इंस्टाग्राम का प्रोफाइल लिंक एंड जीमेल, ठीक है, आप मेल मुझे सेंड करते हैं और वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती है, कमेंट सेक्शन में नहीं। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे कोई भी नंबर मिलते हैं तो आप उस पर प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि कॉल मत करना, दैट इज़ अ वार्निंग साइन कि आप वो स्कैमर हो सकते हैं, आपसे किसी तरह का कोई भी लॉस करवा सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस करवा सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ आप ध्यान रखें कि आप स्कैमर्स के चक्कर में ना फंसे, आई एम वार्निंग यू कि कमेंट सेक्शन में दिया हुआ कोई भी नंबर पर आप कॉल ना करें, ओके, मेरे ये रिक्वेस्ट है आपसे, आई होप सो आप समझ रहे हैं। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग ये टाइमलेस रीडिंग है दोस्तों, तो जब भी आप देख रहे हैं, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आई हो तभी से ये, तभी के लिए ये वैलिड है एंड आप किसी मंथ किसी ईयर देख रहे हो तभी के लिए, सो इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, जनरल रीडिंग है। जो मैसेज रेजोनेट हो रही है उतनी रखिएगा और जो नहीं होती है उसे जान लीजिएगा, टेंशन नहीं लेना है।
एंड आप मेल फीमेल हो, फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हो, आप देख सकते हो किसी भी जेंडर के हो, ठीक है। तो करेंट एनर्जी के लिए हम कार्ड शफल करें, निकालते हैं आपकी करेंट एनर्जी कैसी है। जॉय का कार्ड आया है दोस्तों, अबंडेंस का कार्ड आया है, वाह। रिजेक्शन का भी कार्ड आ गया, क्या बात है। प्रेयर का कार्ड आया है, परसेप्शन, तो ये कार्ड्स आए हैं। और चलिए और भी कार्ड्स निकालते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन कैसी है, देन हम देखेंगे कि आपके मैरिज की क्या कंडीशन बनती है, लव मैरिज की, अरेंज मैरिज की। रीडिंग को पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा दोस्तों, स्किप करने से आधी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपकी ही रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। ऑर्डिनरीज कार्ड, मैच्योरिटी कार्ड, पाइल वन में भी ये दो कार्ड्स आए थे, वाह। स्लोइंग डाउन, सो परसेप्शन, प्रेयर, रिजेक्शन, अबंडेंस, ऑर्डिनरीज एंड स्लोइंग डाउन, कार्ड्स आर विजिबल। सो मुझे दोस्तों जो मैसेज मिल रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला बात, यहाँ पे आपने फ्लाइट का कार्ड चूज़ किया है, सब जिससे मुझे पता चलता है आप काफ़ी क्रिएटिव पर्सन हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक आर्टिस्ट ही हो, पोएटी हो या किसी आर्टिस्टिक फील्ड से हो, बट फिर भी आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, आपके अंदर नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं एंड ब्यूटीफुल आइडियाज़ आते हैं, ठीक है। आप दिमाग से बहुत सुंदर सुंदर सोच बनाते हो, ऐसा मुझे दिख रहा हो। आप पेंटिंग करने में बहुत अच्छे हो, ठीक है ना, आप आर्टिस्टिक फील्ड से हो भी सकते हो और नहीं भी हो तो भी आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो, मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। मुझे ये चीज़ फील हो रहा है कि आपको आपको है ना, आप रिजेक्शन मिला है, अभी आपको किसी ने रिजेक्ट किया है। अब ये रिजेक्शन किसी पर्सन के द्वारा हो सकता है, किसी करियर में हो सकता है दोस्तों, कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आप प्रे कर रहे थे, प्रेयर का कार्ड है, एंड वो चीज़ आपको मिली नहीं, आपने डिटैच कर लिया उस चीज़ से, अपने आप को अलग कर लिया, ठीक है। एंड आपको दुख भी हुआ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको दुख हुआ, बट अभी आप जॉय में हो, ठीक है। आपको शायद ये रियलाइज़ हो चुका है, आपकी विजन चेंज हो चुकी है, आपकी परसेप्शन चेंज हो चुकी है, हो सकता है आपको कोई सच्चाई पता चली हो, आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आप थर्ड पार्टी में रहे हो, एंड कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है इस वजह से आपको रिजेक्शन मिला है, एंड आपको दुख तो हुआ था बट आप अभी जॉय में हो, बिकॉज आपको रियलाइज़ हो गया, आपकी विजन चेंज हो गई, आप एंड आपको ये भी लग रहा है कि चलो जो हुआ अच्छा है, ठीक है। जो लॉस हुआ, जो करियर चेंज हुआ, जो पर्सन मुझे छोड़ के चले गए, रिलेशनशिप में कोई धोखा मिला, चलो अच्छा हुआ वो दूर हुए, आप एक जॉय के मोड में हो, सेटिस्फाइड हो। विद द प्रेयर कार्ड मुझे ये फील हो रहा है दोस्तों कि आपको डिवाइन ने उस रास्ते से इसलिए हटाया क्योंकि वो रास्ता आपके लिए सही नहीं था, एंड आप अभी जो रास्ते पे जाओगे वो आपके लिए बिल्कुल नया होगा, है ना। आपने जैसा सोचा नहीं वैसा कुछ होगा, एक नए रास्ते खुलेंगे आपके लिए, ठीक है ना। अबंडेंस का भी कार्ड है, तो अबंडेंस आपकी और जॉय का भी कार्ड है। अबंडेंस सिर्फ पैसों से रिलेटेड नहीं, आपकी खुशियों से भी रिलेटेड, आपको आपकी मेंटल इमोशनल अबंडेंस हो सकती है, ठीक है ना। उस तरह की अबंडेंस आपको मिली है, नहीं तो फिर ये इन द फ्यूचर ये आपकी एनर्जी होने वाली है, ये आपकी है। एंड यहाँ पे देखिए ऑर्डिनरीज का कार्ड है, फिर से वही एनर्जी एंड स्लोइंग डाउन का कार्ड है। आप किसी चीज़ की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, आपको वहाँ पे काफ़ी स्कोप दिख रहा था, चाहे वो करियर से हो सकता है, कोई रिलेशनशिप से हो सकता है, कोई पर्सन से हो सकता है, हो सकता है आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो, वहाँ से आपको फिर वो आपका काम रुक गया हो, या फिर वहाँ से आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिले हो, ठीक है ना, वो काम आपका रुक गया क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं था, ठीक है। डिवाइन ने आपको रोक दिया, कुछ ना कुछ तो आपका पुराना सेड हो रहा है, गिर रहा है, एंड कुछ नया आने वाला है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है,
एंड वो काफ़ी अबंडेंस लेके आएगा आपके लाइफ में, ठीक है। अबंडेंस, इमोशनल अबंडेंस, मैच्योरिटी, आप में मैच्योरिटी आ रही है, आप लाइफ के एक नेक्स्ट लेवल पे मूव कर रहे हो। आपके जो भी पास्ट की नेगेटिविटी थी, आपके ऊपर जो बैगेज था, हो सकता है आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आपको काफ़ी दुख तकलीफें मिली, काफ़ी स्ट्रगल फेस किया आपने, उस चीज़ को आपने छोड़ दिया, एंड हो सकता है आपको रिजेक्ट करके चले गए हो आपके पर्सन, एंड आप कहीं ना कहीं लाइट फील कर रहे हो, खुशी हो रही है आपको भीतर से कि चलो भाई बहुत टेंशन रहता था, है ना, वो ख़त्म हो गया तो एक शांति सी है, ऐसा आपको फील हो रहा है दोस्तों। चलिए मुझे ये चीज़ दिख रही है। सो अभी आपकी ऐसी एनर्जी है, चलिए देखते हैं दोस्तों कि आपके लिए क्या बनते हैं। आपकी मैरिज अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी, प्लीज़ इन हेल्प मी दैट। माइंड, स्ट्रेस, ओ माय गॉड, सिज़ोफ्रेनिया। ओके दोस्तों, एन अबंडेंस कार्ड, ओ माय गॉड, दो दो बार अबंडेंस कार्ड यहाँ पे भी है, वाह, अबंडेंस। सो अबंडेंस आपके रास्ते है दोस्तों, ठीक है ना, डिवाइन बता रही है आपको अबंडेंस मिलने वाली है, खुशियाँ मिलने वाली है, करियर में हो कहीं हो, ठीक है ना। ऑल दो ये करियर रीडिंग नहीं है, आपकी डेस्टिनी रीडिंग भी नहीं है, बट यस आपके लिए बार बार अबंडेंस भेज रहे हैं एंजल्स, तो अबंडेंस आने वाली है दोस्तों। ये अबंडेंस किसी भी तरह से हो सकती है, ठीक है। पोस्टपोनमेंट, जैसा बताया कि पोस्ट, कोई काम आपका रुक गया, ठीक है ना, आपने हाथ डाले हुए थे वो काम रुक गया, तो वो काम अच्छे के लिए रुका है दोस्तों, ठीक है। एंड आपके मैरिज के लिए बताती हूँ, माइंड एंड स्ट्रेस, एंड आपके लिए आया है सिज़ोफ्रेनिया का कार्ड, ठीक है दोस्तों। आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए अपने मैरिज को लेके, ठीक है, या फिर हो आप मैरिज को लेके, आपके दिमाग में बहुत उथल पुथल चलती है, टेंशन रहते हैं, स्ट्रेस रहता है कि क्या पता मैरिज कैसी होगी, ठीक है ना। आप बहुत टेंशन हो अपने, टेंशन में हो अपने मैरिज को लेके। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली प्रेशर है, ठीक है ना, फैमिली प्रेशर है, एंड इस चीज़ को लेके आप काफ़ी टेंशन में हो कि पता नहीं कब मैरिज होगी, बहुत टेंशन है आपको मैरिज को लेके, ठीक है। आप यहाँ पे जगलिंग करते हुए दिख रहे हो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके। हो सकता है आपके सामने दो रास्ते हैं, दो पर्सन के बीच में आप जगल कर रहे हो, ठीक है ना, या फिर किस, कौन से क्या करें, ठीक है ना, ये आपको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। एंड विद द अबंडेंस कार्ड एंड पोस्टपोनमेंट, आपकी मैरिज हो सकती है डिलेड मैरिज हो, काफ़ी दिन से आप वेट कर रहे हो, आपके सामने बहुत सारे रिश्ते आए हो, आपकी फैमिली के सामने बहुत सारे रिश्ते आए हो, एंड आप काफ़ी कन्फ्यूज रहते हो, आप डिसीजन ही नहीं ले पाते हो किसे सेलेक्ट करें। इस चीज़ को लेकर आपकी फैमिली काफ़ी स्ट्रेस में है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। आप लोग काफ़ी टेंशन में, आपकी फैमिली परेशान है कि भाई ये किसे सेलेक्ट करेगा, या करेगी, भगवान जाने, ठीक है। बट दोस्तों ये सभी चीज़ के बीच में आया है अबंडेंस, तो मैं आपको बता भी रही हूँ कि जो चीज़ें हो रही है आपके लाइफ में ना, वो किसी पर्पस से हो रही है। अभी आपको शायद ख़राब लग रहा है, बट आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा फील होगा कि ये काम मेरे लिए रुक गया था, पोस्टपोन्ड हो गया था ये रिलेशनशिप, ठीक है ना, ये चीज़ मुझे दिख रही है। हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो एंड बहुत आपको वहाँ से अटैचमेंट है, एंड आपको वहाँ से कमिटमेंट नहीं मिल रही है ना दोस्तों, तो हो सकता है वो रिलेशनशिप ओवर हो जाएगा, आप उनका ही वेट कर रहे हो और किसी को हाँ ही नहीं बोल रहे हो। आपके सामने जो भी रिलेशनशिप आ रही हो, आप हाँ नहीं बोल रहे हो, मुझे यहाँ दिख रहा है, एंड आप उस पर्टिकुलर पर्सन का वेट कर रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है वो पर्सन आपके लाइफ में नहीं आए एंड कोई और नया रिलेशनशिप आएगा, मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं, पता करते हैं आपके लिए लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। अगेन टेन ऑफ हैंड्स, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप स्ट्रेस में हो, टेंशन है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब है आपके ऊपर। नाइट ऑफ हैंड्स, फायर साइन के हो सकते हैं आप, एरीज लियो सजिटेरियस। ओके टेन ऑफ सोर्ड्स, प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड मी, प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड मी, कि
किंग ऑफ पेंटिकल्स। अबंडेंस का भी कार्ड है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है दोस्तों, बोथ आर सेम द मून, दो दो बार। ये तो है आपके लिए कोई नए पर्सन आने वाले हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई नई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं। अब वो लव मैरिज से होंगे कि अरेंज मैरिज से होंगे वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे माइंड का भी है, स्ट्रेस का भी कार्ड है जो आपको दिखाया। हो सकता है कोई पर्सन आपको चीट करके चले गए हो, ठीक है, एंड फिर भी आप कुछ लोग आप उन्हीं का वेट कर रहे हो, वो आपको चीट करके गए हैं, आप थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, आपको बैक स्टैब किया गया, आपके दिमाग के ऊपर वो हावी हो चुके हैं, ठीक है, आपकी जिद हो चुकी है, शायद कुछ लोग इतना अटैच है कि आपको लग रहा है उन्हीं का वेट करें, एंड आप सभी रिश्ते को ना ना कर रहे हो उस पर्सन के चलते, दिख रहा है मुझे। आपके अंदर दुख हो गया है, तकलीफ हो गया है, द मून का कार्ड है, कोई ना कोई फियर बैठ गया है, स्ट्रेस तो है ही, कुछ लोग डिप्रेशन में भी दिख रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ है द मून, कोई फियर है आपको, आप अक्वेरियस हो सकते हो, आपकी ज़ोडियक साइन, ये चीज़ नज़र आ रही है। बैक स्टैप करके कोई पर्सन आपको गया है, एंड एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड वी हैव पोस्टपोनमेंट कार्ड, सो आप वेट भी कर रहे हो उस पर्सन का, यहाँ पे दिख रहा है, या किसी ना किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, या फिर ऐसा है कि आपके दिमाग में कोई एक रिलेशन पर्सन का फिगर बना लिया आपने, उसके ही वेट में हो कि वो मिलेगा, उस तरह का पर्सन मिलेगा तो ही मैं शादी करूँगा, एंड इस चलते आप काफ़ी पोस्टपोन्ड कर रहे हो अपने फियर के कारण। आपको फियर भी हो सकता है कि पता नहीं किस पर्सन से शादी हो, मैरिज कैसी हो, हो सकता है आपको पास्ट के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने आए हो मैरिज को लेके, जिसके वजह से आप डर में हो कि मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती है, कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है। सो दो दो बार यहाँ पे, एक बार किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है दोस्तों यहाँ पे आप देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड अबंडेंस का कार्ड है, ठीक है। तो ये पर्सन जो आपके लाइफ में आने वाले, आप हो सकता है कि ये बिल्कुल सिंगल पर्सन हो, ठीक है ना, एंड आप इनके साथ कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे हो, ये नए पर्सन हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे ये चीज़ फील हो रहा है। एंड ये पर्सन काफ़ी रिच होंगे, अबंडेंट होंगे, एंड हो सकता है ये पर्सन कुछ लोगों के लिए आपके बॉस हो सकते हैं, वर्क प्लेस पर मिल सकते हैं, ठीक है ना, मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी लव मैरिज हो सकती है, आपके पाइल्स में मुझे लव मैरिज की वो वाइब ज़्यादा आ रही है, ठीक है, एंड एक्स और पास्ट की रिलेशनशिप से आपकी शादी नहीं होगी, ये भी वाइब दिख रही है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। एंड और कार्ड्स से कंफर्म कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड मी, आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, पाइल नंबर 2 की, प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड मी एंड टेल मी, प्लीज एंजल्स। हीलिंग बिगन्स, लव अबाउंड्स, न्यू पर्सन ही एंटर होंगे आपके लिए, सिंपली लव, सोलमेट हो सकते हैं आपके लिए, 6-6 नंबर इंपॉर्टेंट होगा, ये पर्सन काफ़ी स्टेबिलिटी लेके आएंगे, रिच होंगे एंड स्टेबिलिटी लेके आएंगे दोस्तों आपके लाइफ में, ठीक है ना, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। वाओ, मेजर अरकाना कार्ड, एम्ब्रेस, ब्यूटीफुल, हायरोफंट कार्ड। सो दोस्तों आपके लिए कार्ड्स आए हैं लव, हीलिंग बिगेंस एंड लव अबाउंड्स एंड सिंपली लव, एंड द वर्ल्ड का कार्ड है, कोई पर्सन आपके साथ ट्रैवल करके आएगा एंड आपके वर्ल्ड को कंप्लीट करेगा, ठीक है। ये पर्सन आपके बॉस हो सकते हैं, आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, एंड ये पर्सन हाईली नॉलेजेबल एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होगी इनमें, एकदम लीडर पर्सन होंगे एंड अबंडेंट होंगे, मुझे दिख रहा है। एंड दोस्तों मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है ना कि आपकी चांसेस लव मैरिज की है, ठीक है, एंड न्यू पर्सन के साथ लव मैरिज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, जिन जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में है उनके लिए बिल्कुल नए पर्सन है, कुछ लोगों के लिए जो ऑलरेडी अच्छे रिलेशनशिप में है एंड आपकी नए पर्सन के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हुई है तो आपके लिए लव मैरिज ही है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। एंड चलिए फाइनली हम टैरो से 2 कार्ड निकालेंगे और कन्फर्म करेंगे, फिर हम चिट से चेक करेंगे। आप ऐसा हो सकता है इस पर्सन से ट्रैवल के दौरान मिलो, बिकॉज आपने फ्लाइट का कार्ड चूज़ किया है, द वर्ल्ड का कार्ड चूज़ किया है, आप इस पर्सन से ऑनलाइन मिल सकते हो, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं,
ऑनलाइन मिल सकते हो आप, या फिर आप आईटी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या किसी तरह के टेक्निकल फील्ड में हो तो आप वहाँ भी मिल सकते हो, ऑनलाइन के चांसेस भी है। क्वीन ऑफ सोर्ड, ये पर्सन आपसे बड़े होंगे, ठीक है, एज में या एज डिफरेंस, आप बड़े हो सकते हो, एज डिफरेंस रहेगा दोनों में, ठीक है ना। एंड किंग ऑफ कप्स, एक पर्सन अपने दिल को बंद रखेगा, दूसरा पर्सन हाईली इमोशनल होगा। तो ये पर्सन काफ़ी ट्रेडिशनल होंगे, ठीक है ना, अच्छे फैमिली के होंगे, एंड स्टेबिलिटी आपकी तरफ लेके आएंगे, बट होगी आपकी लव मैरिज, ठीक है। एंड ये पर्सन ऐसा नहीं है कि चुपके चुपके चोरी चोरी कुछ होगा, नहीं, पूरी फैमिली को बता के ही होगा, ये भी दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देने वाले पर्सन होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, रिलीजियस भी होंगे, हायरोफंट का कार्ड है, ठीक है ना, नॉलेजेबल पर्सन होंगे, स्पिरिचुअल भी होंगे, काफ़ी अच्छे पर्सन होंगे, आपकी फियर एंजाइटी को मिटाएंगे, आपसे अपोजिट होंगे, आप फीलिंग्स को अगर स्टार्टिंग में नहीं छुपाओगे, बिकॉज आपके अंदर स्ट्रेस एंजाइटी है, आपको चीट किया गया है, इस वजह से आप ओपन अप नहीं होगे स्टार्टिंग में, एंड ये पर्सन आपको ऑफर करेंगे लव अपना, और आपकी फैमिली इस पर्सन को एक्सेप्ट करेगी, बहुत पसंद करेगी इस पर्सन को आपकी फैमिली, हाँ, रजामंदी होगी, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। चलिए देखते हैं ये पर्सन होंगे कहाँ से, किस सिटी स्टेट से होंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दूर से आए, वर्ल्ड का कार्ड है, रिलीजन डिफरेंसेस, कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एंड ऑनलाइन मिल सकते हो। चलिए और कंफर्म करते हैं चिट से ये पर्सन कहाँ से होंगे। अफगानिस्तान, ठीक है, तो अफगानिस्तान में जॉब करते हो, जाते हो बिजनेस के लिए, यहाँ वहाँ से कुछ ना कुछ तो ताल्लुकात होगा। वेस्ट बंगाल, ठीक है, और सफल करेंगे एंड देन निकालेंगे हम। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। सेम स्टेट, अब जिस स्टेट में दोस्तों कुछ लोगों के लिए वहीं से होंगे ये पर्सन, ठीक है, लव मैरिज है आपकी। कोस्टा रिका घूमने गए हो या वहां रहते हो, स्विट्जरलैंड, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी हो सकते हैं, हैदराबाद से हो सकते हैं आपके पर्सन, या साउथ की किसी स्टेट से हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश से हो सकते हैं, ठीक है, साउथ, ये मुझे लग रहा है आप भी साउथ में रहते हो, ठीक है, किसी स्टेट में, हैदराबाद आया आपके लिए, जापान में वर्क करते हो, टेक्नोलॉजी हो सकता है, आप टेक्निकल फील्ड में हो, मैंने बताया, हो सकता है आप लोग जापान में रहते हो, या फिर वहाँ पे मिलोगे, या कुछ ना कुछ हो सकता है वहाँ से ताल्लुका, जर्मनी, आप लोग टेक्निकल फील्ड से हो सकते हो, ग्रीस। ये एक जनरल रीडिंग है दोस्तों, जो जो रेजोनेट हो रही है उतनी रखिएगा, सारी मैसेज सबसे रेजोनेट हो जाए ज़रूरी नहीं है। सेम कंट्री है नेपाल, ये नेपाल मन में भी आया था। सो दोस्तों चलिए हम प्रोफेशन भी देख लेते हैं कि आपके पर्सन के, ये प्रोफेशन आपके हो सकते हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं, फिर से लेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा वाइब्स है दोस्तों, आप टेक्नोलॉजिकल फील्ड से हो सकते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आप इंजीनियर हो सकते हैं, एयर होस्टेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो सकते हैं, आप जापान में वर्क करते हो या जाने वाले हो, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल फील्ड से हो सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर कोई डिप्रेशन एंजाइटी वाले पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हो, या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं ऐसे, इन सभी प्रोफेशन में, मेंटल हेल्थ काउंसलर दो बार आया है, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर के किसी फील्ड से हो सकते हैं। चलिए दोस्तों फाइनली देखते हैं कि आपकी शादी हो कब तक सकती है, क्या टाइम फ्रेम है, ठीक है, इससे हम तीन चीट्स निकालेंगे एंड कन्फर्म करेंगे, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प इन गाइड मी, कब तक हो सकती है आपकी शादी, एंजल्स बताएं पाइल नंबर टू की शादी कब तक हो सकती है। 7 वीक्स में कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन मैसेज आ सकता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हो, ठीक है, 7 वीक्स में कुछ स्टार्ट हो सकता है, 5 वीक्स बहुत जल्दी वीक्स आ रहे हैं, वी विल टेक लास्ट अनएक्सपेक्टेडली, वाओ, जब आप सोचोगे नहीं तभी, ठीक है। सो आया है 5 वीक्स, 7 वीक्स एंड अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। सो पाइल नंबर टू ये थी मैसेजेस आपके लिए, आपके लिए ये रीडिंग थी, आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करना चाहते हैं शेयर कर देते, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।